अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर। आज हम देखेंगे ज्वाइनिंग का ऑप्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास जो हम वर्किंग करते हैं उसमें एक होती है क्लोज पाथ वर्किंग, एक होती है ओपन पाथ वर्किंग। तो मोस्टली हम जो काम करते हैं वो क्लोज पाथ पे करते हैं कि उसका एडवांटेज ये होता है कि आप इजिली उसमें कलर फिल कर सकें। ठीक है, तो हम जब भी कोई स्टार्ट काम करेंगे तो उसमें ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि अगर आप पेन टूल के थ्रू कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पेन टूल का लेक्चर पहले मैं अपने बना चुका हूँ तो उसको देख लीजिएगा। तो पेन टूल से हम वर्किंग जब करते हैं तो उसकी हम एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ज्यूम कर लेते हैं कि हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई चीज़ ट्रेस कर रहे हैं, खासतौर पर जब ट्रेसिंग करते हैं, तो एक मेरा ट्यूटोरियल ट्रेसिंग पर भी है, तो वो आप देख लीजिएगा, जिसमें हमने कार को ट्रेस किया था। तो एक हमेशा कभी भी कोई लोगो हो, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी ट्रेसिंग कर रहे हो तो आप उसका एक इनिशियल पॉइंट बनाने के मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँगा और कहाँ मैं इसको एंड करूँगा। तो बहरहाल आगे चलते हैं। तो अब हमने करना ये है कि ज्वाइनिंग, बेसिकली ज्वाइनिंग क्या है कि हम किसी दो ऑब्जेक्ट को मिला के एक नया ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होता है कि उसको हम ज्वाइन कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इजी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसकी फिलिंग जो है वो नन कर लेते हैं, स्ट्रोक का कलर रखते हैं। अब हमने इसको यहाँ से यहाँ तक कट करना है और इसमें यहाँ पर एक आर्च को ऐड करवाना है। ठीक है, ये कुछ हमारा बेसिक सा वो है। इसके लिए सबसे पहले हम इसको कट करेंगे। कट के लिए हम इसमें यहाँ से अपना सीजर टूल को यूज करेंगे। ये भी हम कर चुके हैं, ये भी मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया था कि सीजर और नाइफ और इरेजर को किस तरह यूज करेंगे, क्योंकि हमने पॉइंट टू पॉइंट वर्क करना है तो इसलिए हम इसको सीजर को लेके यूज करेंगे कि मैंने यहाँ से इसको कट करना है और यहाँ तक इसको हमने ब्रेक कर देना है। तो अब ये देखिए, ये एक पार्ट अलग हो गया है। ठीक है, वो अलग हो गया, ये अलग हो गया है। अब इसमें मैंने वर्किंग करनी है आर्च टूल के थ्रू, कि मैंने एक डिजाइन क्रिएट करना था कि ये ऐसे आर्च कुछ बन रही है और ये, या इसको हम रिवर्स कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल, हमें कुछ ये इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करना था। अब बाहर देखने में तो ये लग रहा है कि ये एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये कौन, ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब तीन अलग अलग हैं। ये देखें, ये एक लाइन अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अब अगर आपने इसको कलर करना होगा तो अगर हम कलर करेंगे तो वो प्रॉपरली कलर इस पर आएगा नहीं, इसके लिए हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी कि ये एक ही ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो जाए। ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी क्लिक करते हैं तो देखिए इसने कहाँ से स्टार्ट किया। अगर हम अज्यूम कर लें कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये यहाँ से होता हुआ यहाँ ये एंड हो गया है। अब दूसरे पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरा पॉइंट आपका जो सेगमेंट था हमारा वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसकी स्टार्टिंग यहाँ से है और यहाँ तक एंड हो रही है। थर्ड वाले की स्टार्टिंग आपकी यहाँ से यहाँ हो रही है। तो हमने इसको जो ज्वाइन करना है वो ये एरिया है, ये एरिया है और ये एरिया है। जब ये तीनों एरिया ज्वाइंट हो जाएंगे तो ये एक सिंगल आपके पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसमें फिर हमारी कलरिंग भी इजी हो जाएगी। तो अब इसको कैसे करेंगे, वर्किंग करते वक्त मैंने आपको पहले ही बताया था, हमेशा अपनी जो फिलिंग है वो नन रखा करें, स्ट्रोक पे वर्किंग करें, बाद में जो है वो कलरिंग का हम ऑप्शन करेंगे। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले अब हम खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो मैंने इसका ये इनिशियल पॉइंट ले लिया, और जब इसको सिलेक्ट करें तो इसका इनिशियल मैंने ये ले लिया। मतलब क्या है कि दोनों के जो इनिशियल पॉइंट है वो यहाँ आ रहे हैं। तो आप इनको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ड्रैग करेंगे तो ये इसने दोनों के पॉइंट सेलेक्ट कर दिए हैं। अब हम जाएंगे ऑब्जेक्ट पाथ ज्वाइन, शॉर्टकट है कंट्रोल जे। अब क्या हुआ, जब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, अब जब मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिए यहां से लेके ये पूरा यहां तक एक ऑब्जेक्ट बन गया है। इसका मतलब है कि अभी ये जो ऑब्जेक्ट है ये ज्वाइन नहीं हुआ हुआ, इसके और इसका ये जो एंड पॉइंट है इसको पकड़ के हम सेलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट जैसे था कंट्रोल जे। तो कोशिश किया करें जब एक यूज टू हो जाए शॉर्टकट्स पे, तो शॉर्टकट से क्या होता है कि आपका काम भी ज़रा इजी हो जाता है और फास्ट हो जाता है। तो हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे की वजह से ये यहाँ तक, ये इस एंड तक ये ज्वाइंट हो गया, मतलब ये पॉइंट ज्वाइन नहीं हुआ बाकी सब हो गए। इसलिए हमेशा याद रखें कि रेंडमली ज्वाइनिंग ना करें कि पहले यहाँ से कर ली फिर यहाँ से कर ली, तो आप बाद में आपको ये रहेगा कि मैंने कहाँ से ज्वाइन नहीं हुआ। तो इसलिए हमेशा एक इनिशियल पॉइंट बना लें कि वहां से लेते हुए इसको पूरा कवर
कंप्लीट करते हुए लेके चले जाए। अब हमारा ये पॉइंट ज्वाइन नहीं हुआ हुआ, तो देख लेते हैं, ये देखिए मूव करूंगा तो ये, इसका मतलब है कि यहाँ से ज्वाइनिंग नहीं है, तो हमने इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जे कर देना है। तो अब ये प्रॉपर तरीके से ज्वाइन हो गया है। अब अगर मैं इसमें कलर डालूंगा तो वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसमें फिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो कंट्रोल जेड करके मैं पीछे आता हूँ। हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि ये तीनों पाथ अलग अलग हैं, इन सबको एक साथ सेलेक्ट किया और कंट्रोल जे कर दिया। ठीक है, तो एक तरीका ये भी होता है, लेकिन सम टाइम ये एरर दे देता है, तो इसलिए कोशिश करें कि उसको स्टेप बाय स्टेप करें कि आपको याद भी रहे कि कहाँ से ज्वाइनिंग हुई है। अच्छा, ज्वाइनिंग के लिए मिनिमम हमें 2 और मैक्सिमम 2, दोनों सूत्र में 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया भाई, ये रहा, अब मैंने इसको यहाँ से भी आर्च लगा दी, आर्च है कुछ भी, कोई एक्स वाई जेड कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये लगा दिया और एक आर्च मैंने यहाँ से लगा दी। अब देखिए, अब जब मैं इसको ज्वाइनिंग करूंगा तो ये ज्वाइन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक इसका है, एक इसका है और एक इसका है। अब देख लेते हैं, कंट्रोल जे प्रेस करूंगा तो वो एरर दे देगा। इसके लिए मिनिमम आपको 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसे इसको अगर मैं हटा देता हूँ और अब डायरेक्ट सिलेक्शन से इन दोनों को अगर मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल जे करूंगा तो ये ज्वाइंट हो जाएगा। देखिए ज्वाइनिंग हो गई। अच्छा, ज्वाइनिंग के लिए जरूरी नहीं है कि आपके ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लोज हो, क्लोज बेहतर ये कि क्लोज होने चाहिए कि आपकी ये शेप खराब ना हो, लेकिन अगर जैसे इस वक्त देखें ये दोनों बहुत दूर है। ठीक है, अच्छा पाथ की टाइप भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे ये इस वक्त जो है ये ओपन पाथ है और ये क्लोज पाथ है, ये हर जगह से क्लोज हुआ हुआ है तो उसको हम क्लोज पाथ कहेंगे, और ये ओपन हुआ हुआ है तो उसको हम कहेंगे ओपन पाथ। इसको भी मुझे क्लोज करना है, दोनों के एंड पॉइंट सेलेक्ट करें डायरेक्ट सिलेक्शन से ड्रैग करके, या शिफ्ट से आपने इसको दोनों को सिलेक्ट करा और कंट्रोल जे। तो अब क्या करेगा वो, इन दोनों पॉइंट के एंड्स को देखते हुए वो ऑटोमेटिकली इसको ज्वाइन कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत यूजफुल टूल है आपका, ज्वाइनिंग टूल, मतलब टूल तो नहीं, ज्वाइनिंग ऑप्शन, क्योंकि इसमें हम जब कोई चीजें ड्रॉ कर रहे होते हैं तो वो अलग अलग ऑब्जेक्ट को लेके हम उसके एक नई अपना ऑब्जेक्ट या डिजाइन क्रिएट करते हैं, तो उसमें आपको ये ज्वाइनिंग टूल जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ये बना लिया है, अब इसमें मुझे कुछ और ऐड करना था, स्पाइरल को लगाना था। अच्छा, ज्वाइनिंग हमेशा, एक और बात याद रखिए, ज्वाइनिंग हमेशा स्टार्टिंग या एंडिंग पे होती है, मिड में नहीं होगी। अगर आप फर्ज करें कि मुझे ये इसको यहाँ से ज्वाइन करना है, तो मैं ये तो ज्वाइन कर सकता हूँ कंट्रोल जे करके। ठीक है, अब मैं इस तरह नहीं कर सकता कि अगर मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट करा और शिफ्ट से ये किया, आप कंट्रोल जे करते हैं तो ये नहीं होगा। इसके स्टार्टिंग एंडिंग हो सकते हैं, जैसे अगर हमने एज्यूम कर लिया कि ये इसका स्टार्टिंग है तो एंडिंग कहाँ होगी, ये होगी। अब अगर मैं ये वाला पॉइंट और शिफ्ट से ये वाले पॉइंट को पकड़ के कंट्रोल जे करूंगा तो वो यहाँ से लेके इसको यहाँ तक ज्वाइन कर देगा। ये देखिए ज्वाइनिंग हो गई, अब जिसकी वजह से ये क्लोज पाथ की फॉर्म में अपेयर हो गया है। ठीक है, या अगर हमने कोई और स्पाइरल इन साइड इसके ड्रॉ की है, जरा जूम कर लेते हैं, यहाँ से ड्रॉ किए देखिए, और इसको बल्कि हम ऐसे करते हैं कि यहाँ रख लेते हैं, साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये ज्वाइनिंग में आ जाएगा जूम करके, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम जूम टूल के बारे में बताया था, और ये भी मैंने आपको एक टिप्स दी थी कि कभी भी अगर आपने कोई काम करना हो तो उसको जूम के लेवल को हाई करके करें, उससे क्या होता है कि काम बड़ा प्रिसाइज हो जाता है। देखिए अगर मैं इसको नॉर्मल जूम पे देखता हूँ तो ये बजाय लग रहा है कि बिल्कुल सेट रखा हुआ है, लेकिन अब जब हम इसको जूम करेंगे, जूम का शॉर्टकट मैंने जैसे बताया था कंट्रोल स्पेस बार, देखिए अब आप जितना जूम करते रहेंगे वो आपको क्लियर नजर आता रहेगा। काम को बिल्कुल फाइन और प्रॉपर करने के लिए जूम करके आप काम करें। देखिए इसको उठा के मैं यहाँ लाया ये, ठीक है, अगेन हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके दोनों को सिलेक्ट करा और कंट्रोल जे, तो ये आपकी ज्वाइनिंग हो गई है। ठीक है, तो इस तरह अगर आपने इसके साथ बाकी फर्दर रखने हैं तो वो आप उसको अटैच तो कर सकते हैं, मतलब अटैच इन द सेंस कि इसको यहाँ रख सकते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होता है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये तो बस अब बीच में आप रखे जा रहे हैं और वहां से वो बनता जा रहा है, तो ये स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए ये ज्वाइन नहीं होगा। ठीक है, तो कभी भी कोई चीज डिजाइन क्रिएट करें, अगर वो आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेके काम कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से ज्वाइन करते रहें। जैसे ये मैंने एक आर्च क्रिएट करी, फिर यहाँ से आर्च क्रिएट करी, फिर हमें एक स्ट्रेट लाइन से देखें ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन को मुझे इसी से कंटिन्यू करना है तो मैंने यहाँ से शिफ्ट लेके यहाँ ले आया,
और फिर उसके बाद शिफ्ट से लाइन टूल लेके हमने इसके बिल्कुल अकॉर्डिंग यहाँ तक बना ली, इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आ गए क्योंकि मुझे हाफ बना के इसको हाफ फ्लिप करना है। ये भी हम अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में जिसमें फ्लिपिंग थी रिफ्लेक्शन टूल के थ्रू हम कर चुके हैं, तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, दोनों के एंड पॉइंट सेलेक्ट करे कंट्रोल जे। अब कहाँ से होगा, ये इस जगह से होगा, इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल जे, ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक हो गया है। देन इसके बाद हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जे कर लेंगे, ठीक है। हमने कहाँ से कहाँ तक ज्वाइन कर लिया है ये देखिए, अगर इसको तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन हो गया है, ये पीस अलग रह गया है, इसको हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल जे, तो आपके पूरा इंटायर यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके ज्वाइनिंग में हो चुका है। अब हमने इसकी मिरर करना है कि जो डिजाइन हमारा राइट लेफ्ट साइड पर है वो राइट साइड पे आ जाए, तो इसके लिए मैंने क्या कहा था बताया था आपको कि हमेशा सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन टूल से करें, सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ से रिफ्लेक्ट टूल लेंगे, ये हम इसका स्टोरी भी मैं आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं कि वहाँ मैंने ये रिफ्लेक्शन और रोटेशन के बारे में बताया था कि किस तरह हम करेंगे। तो ये रिफ्लेक्ट टूल लेके और जो सबसे क्योंकि दोनों का जो अलाइनमेंट है बिल्कुल सेम है, तो ऑल्ट क्लिक करेंगे और प्रीव्यू ऑन कर लिया करें, तो हमें यही चाहिए, ठीक है ना। प्रीवियस करंट कॉपी करेंगे, तो ये देखिए अब क्या है कि ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, और ये कहाँ जिसे दूसरे से अटैच हो रहे हैं वो ये पॉइंट है और नीचे का पॉइंट है। यहाँ सेलेक्ट करके आपने कंट्रोल जे करा जॉइंट और नीचे से भी कंट्रोल जे कर लिया, ठीक है। तो इस तरह आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट से लेके अपने डिजाइन क्रिएट करते हैं। बस आप चीज चीज को जरा ध्यान में रखिएगा कि हमेशा वर्किंग करते वक्त उसकी ज्वाइनिंग करते रहें, कि जब आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो उनके साथ उसको ज्वाइन करते हुए, क्योंकि हमें मोस्टली डिजाइनिंग जो होती है उसमें कलरिंग करनी होती है, तो कलरिंग के लिए ज्वाइनिंग होना मस्ट है। अगर ज्वाइन नहीं होगा तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि ज्वाइन अगर नहीं होता तो किस तरह की सिचुएशन आप देख सकते हैं। मैं इन सबको बस ये देखिए मैंने कंट्रोल जेड करके पीछे आ गया, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ठीक है। अब इनको मैं सबको सिलेक्ट करके फ्लिप कर लेता हूँ, चले मतलब फ्लिप मीन्स मिरर, तो ये मैंने मिरर किया ऑल्ट क्लिक से कॉपी। बाहर देखने में देखें सब लग रहा है कि सब चीजें, अब इन सबको सिलेक्ट करके मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ, देखिए तो ये इस तरह कुछ कलर आ रहा है। क्यों, इसकी रीजन ये है कि ये पार्ट आपका अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो वो उनको सेंस नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से वो इस तरह की आपको कलरिंग दे रहा है। तो इसलिए हमेशा आप जब वर्किंग करें तो प्रॉपर तरीके से इसको क्लोज करें थ्रू ज्वाइन टूल, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।